आई कंचन मदर ऑफ अ लिटिल सन फ्रॉम पटियाला। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा 4 दिन का था, वो बहुत सीरियस था, हमें नहीं पता था हम कहाँ जाएं, लेकिन हमें अचानक से ही हमारे डॉक्टर ने रेफरेंस दिया चैतन्य हॉस्पिटल का। हमने कॉल की और वो विद इन वन आवर, इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो हमारे पास अपनी पूरी डॉक्टर की टीम विद इक्विपमेंट्स के साथ जल्दी जल्द पहुँच के उन्होंने साथ के साथ ही वहीं से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ऑन द वे भी वो हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट करते हुए उन्होंने हमें यहाँ 25 डेज नियर अबाउट रखा, जिसकी वजह से मैं इनके डॉक्टर्स का, इनकी फर्स्ट क्लास की टीम से लेकर थर्ड क्लास टीम तक का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनका हार्ड वर्क, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिनेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और इनका स्टाफ की हार्ड वर्किंग की मैं कभी देर नहीं दे सकती। जितनी इन्होंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ मेरे बेबी का ध्यान रखा है, उसको मैं बता नहीं सकती कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। उसके लंग्स में पानी भरा हुआ था, उसकी इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा थी, यहाँ तक कि उसके दिमाग की भी मतलब पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सारे टाइम टू टाइम इन्होंने टेस्ट किए, टाइम टू टाइम इन्होंने मेडिसिन दी, टाइम टू टाइम हमें इन्होंने इन्फॉर्म किया, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने हमारे साथ हर चीज़ शेयर की टाइम टू टाइम कि इसको ये प्रॉब्लम है। कई जगह मैंने देखा है कि डॉक्टर्स हमें कुछ और बताते हैं, कुछ करते हो रहा है, लेकिन इन्होंने हमें टाइम टू टाइम सब कुछ इन्फॉर्म किया, सब चीज़ों का इलाज अच्छे से किया, और आज 1 मंथ के बाद मैं अपने बेबी को हंसता हुआ खेलता हुआ अपने घर लेके जा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं इनकी टीम का, इनके डॉक्टर्स का बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे बेबी का नहीं, इन्होंने मेरी भी फुल अच्छे से देखभाल करने के लिए मुझे सलाह दी कैसे मैं देखभाल कर सकती हूँ, टाइम टू टाइम मेरी काउंसलिंग की, हमें काउंसलिंग की वजह से भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। फाइनली ये भी अभी जो भी मतलब जो क्लैरिटी है वो अभी मतलब प्रेज करने हैं भी, जो भी प्रॉब्लम सी या कुछ भी फर्स्ट डे तो इन्होंने कुछ भी मतलब भी हाइड आउट नहीं किया भी बच्चे नूं ये दिक्कत नहीं है या कुछ नहीं है, जो भी बच्चे नूं क्रिटिकल सीरियस प्रॉब्लम सी उन्होंने आप वो पेरेंट्स नूं पेशेंट दे तां उन्होंने दस्या भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, नाले ये भी दस्या भी चलो ये नहीं है भी सल्यूशन नहीं हो सकता, बट साडा दस्सने रिस्पोंसिबिलिटी है भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चा थोड़ा सीरियस है या कुछ भी है। हम कई हॉस्पिटल इदा मतलब क्लैरिटी नहीं रखते पेरेंट्स ने या पेशेंट के अकॉर्डिंग अबाउट इतने ये मैं बहुत वधिया लगे भी एक तो उन्होंने बिल्कुल क्लीयरली सब कुछ दस्या भी ये प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है बच्चे भी इस तरह सर्वाइव कर रहा बच्चा कि इम भी दस्या भी यही है भी बच्चा सर मतलब भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, इंप्रूवमेंट हो सकती है बट सा जिस तरह रिस्पोंसिबिलिटी हो ये दिक्कत सह गई बच्चे। ओके सर, थैंक यू।